क्या हम कश्मीर के लिए क्या हम नहीं हैं? क्या कश्मीर को हम नहीं चाहते? क्या हमारे देश का कश्मीर नहीं है क्या? मैं जानना चाहता हूं, इसी कर सर ये बोलते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 साल तो आप अपने क्यों नहीं गिनते हो? अरे 70 साल बदलो। अब हाँ, वो तो मुझे लगता है कौन कौन कंफ्यूज हुआ है। कंफ्यूज तो बहुत पूरा देश कर रहे हो, और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हो कि जब से ये लोकसभा सत्र शुरू हुआ है, आपने देश के 20 करोड़ लोगों के लिए काम किया है, अभी 110 करोड़ लोगों के लिए काम आपने नहीं किया है। अभी तक स्पीकर महोदय 20 करोड़ लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं जानना चाहता हूं 11 साल अपने गिनिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, मेरा सवाल है स्पीकर महोदय सरकार से कि क्या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर किसका हिस्सा है? ये सरकार बताए, ये सरकार बताए, और ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, स्पीकर सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताइए 24 सीटें खाली हैं कि नहीं खाली हैं? अभी आप क्यों नहीं भर पाए? आपसे नहीं सुनना चाहता हूं कौन भर पाएगा। आप नहीं भर पाओगे। अगर भरने का भरोसा कोई दिला सकता है तो देश के होम मिनिस्टर दिला सकते हैं। आप हिसाब दिला दीजिए हमें भरोसा कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, और जो 24 सीटें खाली हैं वो भी भारत की हैं। हम देश के साथ हैं हम भी। और केवल कश्मीर पे कहना खुशी मनना अच्छी बात है, लेकिन हम खुशी जानना चाहते हैं कि ऐसी खुशी नागालैंड वाली कब मिलेगी हमें, सिक्किम वाली कब मिलेगी, मिजोरम वाली कब मिलेगी? और जिस तरीके से आपने लोकतंत्र में छल कपट किया है, धोखा दिया है, दबाव बनाया है, आपने बंदूकें ही कर दी साहब, आपने कहा भरोसा दिलाएंगे। अगर वो शब्द अनपार्लियामेंट्री निकाल दीजिए, आप अनपार्लियामेंट्री शब्द निकाल दीजिए, आपने कहा सबका साथ सबका भरोसा, कार्रवाई से निकाल देना, कार्रवाई से निकाल, निकाल दिया, कार्रवाई से निकाल दिया। अध्यक्ष महोदय, अगर अनपार्लियामेंट्री शब्द